गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर मैथ्स टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। आज हम सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे नंबर लाइन के थ्रू। ये क्या है? हमारी नंबर लाइन की लाइन है और इसके नीचे हमने क्या है नंबर राइट किए हुए हैं और ये हमारी है लाइन्स, ठीक है। तो हम अब हमारा जीरो से एरो गया एट पर, हमने लाइन लगाई जीरो से एट पर। हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, ऐड में हम यहाँ से फ्रंट से ऐड करना शुरू करते हैं, काउंट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट में हम बैकवर्ड शुरू करेंगे, ठीक है। पीछे से स्टार्ट करेंगे तो हम जीरो से एट पे लाइन लगी हुई है तो हम एट तक पहुँचेंगे। एट के बाद एट को यहीं पर ड्रॉप करेंगे और हम काउंट करेंगे, लाइन लगी हुई है हमारी फाइव पर। तो हमें क्या करना है? वन, इधर से बैकवर्ड स्टार्ट करेंगे तो एट को छोड़कर वन टू थ्री, ठीक है। तो थ्री स्टेप काउंट करने हैं, हमारा आंसर आएगा थ्री। हमारा यहाँ पर हम राइट करेंगे थ्री और आंसर आएगा फाइव। हमें आंसर पे वो लिखना है जिस पर हमारा एरो जाता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट नंबर लाइन में क्या है? जीरो से नाइन तक है और लाइन कहाँ तक गई है? हमारी सेवन तक। लाइन कहाँ तक क्लियर हुई है? हमारी सेवन तक क्लियर हुई है। तो हमें सेवन को ड्रॉप करना है और हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो है वन तक। तो हम काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो हमने क्या है? सिक्स काउंट किया है, यहाँ पर हम राइट भी सिक्स कर देंगे, ठीक है। तो फिर हमारा क्या आंसर आएगा? वन। तो हमारा आंसर देखो, यहाँ से हमने काउंट किए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो आंसर हमारा आ गया वन, ठीक है। आंसर हमारा आ गया वन और हमारी लाइन भी कहाँ तक गई है? वन तक गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट सम है बेटा, इसमें भी हमारी लाइन रोकी हुई है सिक्स तक। कहाँ तक? सिक्स तक हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो हम यहाँ पर सिक्स राइट करेंगे। उसके बाद है सेकेंड लाइन जो है हमारी सिक्स से टू तक है, पीछे से राइट लगी हुई है। उसके बाद हम क्या करेंगे? बैक से स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो हमारा हम फोर माइनस करेंगे इसमें और आंसर आ जाएगा टू। वन टू थ्री फोर काउंट किए हैं, हमारी लाइन में क्या है? फोर डिजिट है जो हमने काउंट किए हैं। आंसर हमारा आ जाएगा टू। ये देखो, तो हम इस तरीके से भी क्या है माइनस कर सकते हैं। नॉर्मली सिक्स माइनस फोर इज इक्वल टू क्या होता है? टू। तो हम लाइन्स के थ्रू भी करेंगे तो हमारा आंसर, हमारी लाइन कहाँ पर आके खत्म होती है? टू पर। तो हमारा आंसर आ गया टू। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। आपको ये बुक में भी ऐसे ही सम सॉल्व करने हैं। ओके।